हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली नज़दीक आ गई है बिल्कुल, तो सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसी मिठाई बनाई जाए जो कि आपको देखते ही एकदम मन करे कि बनाई खाई जाए। तो फ्रेंड्स, इजी भी हो, क्योंकि इजी तो हर कोई मानता है कि इजी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक ग्राइंडर जार। ग्राइंडर जार के अंदर हम डाल देंगे थोड़े से काजू, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं भर के डाल देती हूँ चीनी, और 2 चम्मच इसके अंदर मैं डाल देती हूँ मिल्क पाउडर, और इसके अंदर थोड़ा सा डाल देती हूँ इलायची पाउडर। आपके पास हरी इलायची है ना, तो इलायची के दाने निकाल के डाल दो, बट मेरे पास इस टाइम हरी इलायची नहीं है, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ उसका पाउडर। ये देखिए, ये इलायची का पाउडर। तो इसको कर लेते हैं ग्राइंड, दरदरा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि काजू है, इसको स्लो स्लो चला चला के, जैसे बार बार मिक्सी बंद करते हैं चलाते हैं, इस तरह से ग्राइंड करना है। तो चलिए ग्राइंड करते हैं हम इसे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा सा पनीर है मेरे पास पड़ा था, मैंने घर में ही बनाया था पनीर, घर का बना हुआ पनीर है ये, और ये मैंने दरदरा ग्रेट कर लिया है काजू को और बाकी सामान को। तो अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी पनीर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप कोई फूड कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मैं फूड कलर से बहुत दूर हूँ, मेरे को बहुत मजबूरी होती है तो मैं फूड कलर का इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो मैं इसको ऐसे ही ग्राइंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, और अब इसी में पलट लेती हूँ मैं। इस तरह से सारा हम मिक्सर में से निकाल लेंगे, ग्राइंडर जार में से सारा निकाल लेते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने अभी तक गैस नहीं जलाई, बिना गैस जलाए ही सारा काम चल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी मिठाई बिना गैस जलाए भी तैयार हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। थोड़ा सा घी हाथ में लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ पे घी लगा लिया है। घी लगा के इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं, एक प्लेट में डाल लेते हैं बॉल्स को। इस तरह से सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स को एक साइड पे हम रख देते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हमने निकाला है दूध फ्रिज में से। इसके ऊपर आपको मलाई दिख रही होगी, ये मलाई है। हम इस मलाई को क्या करेंगे, इस तरह से निकाल के, ये देखिए मलाई को निकाल के एक बाउल में डाल देते हैं। 3-4 चम्मच तो मलाई होगी ये आराम से। ये आज की जो हमारी ताज़ी मलाई थी ना, फ्रेश वाली, वो हमने ले ली है। किसी भी चम्मच या फोक से इसको, मलाई को थोड़ा कट कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। 1 कप दूध डालने के बाद मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा केसर वाला पानी। थोड़े से पानी के अंदर केसर डिप करके रखा था, तो पानी हो गया येलो, तो वो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने डाल दिया है केसर, डाल दिया है केसर वाला जो पानी था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर पूरा, और इसके अंदर ये वाला कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब कंडेंस्ड मिल्क। अब इसको हिला लेते हैं। ये देखो, केसर के धागे भी बीच में हैं। फूड कलर मैं यूज़ नहीं कर रही, और थोड़ा सा मुझे कलर भी कम लग रहा है, तो मैंने थोड़े से केसर के दाने और भिगो के रखे हैं, ताकि थोड़ा सा कलर और हो जाए। तो ये देखिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ये हमारा तैयार हो गया बिना गैस जलाए। देखिए फ्रेंड्स, ये दूध हो गया जो हमने दूध लिया था मलाई वाला, और ये मैंने कुछ ब्रेड्स लिए हैं, वाइट ब्रेड है। वाइट ब्रेड के कॉर्नर जो है मैंने कट कर दिए, एजेस यानी काट दिए हैं, एजेस को रख दिया है, ब्रेड क्रम्स बनेंगे। हमने इसको हल्का सा डिप करना है, बिल्कुल हल्का सा डिप करना है, और इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है हल्का सा। स्क्वीज़ करने के बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने एक बॉल रखनी है अपनी, जो हमने काजू की बॉल बनाई थी, और इसको अब इस तरह से करते हुए, फोल्ड करते हुए, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके एक बॉल तैयार कर लेनी है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने बॉल तैयार कर दी है। आप सोचेंगे कि इसमें ब्रेड का टेस्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी आपको ये रेसिपी जो है लगेगी, ये मिठाई दिवाली पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये हमने बॉल जो है एक बाउल के अंदर रख दी है। ऐसे ही हम बाकी ब्रेड्स के भी इसी तरह से बॉल्स बना लेंगे, जैसे हम पिनिया बनाते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे वैसे सॉफ्ट हाथों से। इस तरह से हमने, ये देखिए, इसको भी हम इस तरह से बाउल के अंदर रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 9 की 9 बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा ये बचा हुआ दूध है ना, ये जो बचा था, इसको हमने इनके ऊपर डाल देना। ये सारे का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी रेसिपी बन सकती है बिना गैस जलाए। ब्रेड और काजू की बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्या,
थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, कतरन बादाम की कतरन कर ली है, ये देखिए थोड़े से इसके ऊपर डाल देते हैं। दिवाली की मिठाई है तो भाई ये तो बनता ही है ना, ड्राई फ्रूट्स तो होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम थोड़ा सा डालेंगे पिस्ता, ये देखिए ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं पिस्ता। जैसे आप गार्निश करना चाहते हैं, आप रोज़ पेटल्स के साथ करना चाहते हैं रोज़ पेटल के साथ कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स के साथ करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ किया है और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी एक एक दिन का ये जो केसर है ना मेरे पास, ये देखिए मैं ये वाला केसर यूज़ करती हूँ, आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल केसर है, इसका एक एक दिन का इसके ऊपर डालेंगे, जिसे थोड़ा थोड़ा सा ये कलर दे देता ना अपना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हम इसके ऊपर केसर डाल देते हैं, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स, और हल्का हल्का जब ये कलर देता है ना, जहाँ पे रखा जाएगा वहाँ पे अपना कलर छोड़ेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा तैयार ब्रेड और काजू का बहुत ही टेस्टी डेजर्ट, यानी बहुत ही टेस्टी मिठाई दिवाली पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मिठाई जो है बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत अच्छी लगने वाली है। आप इसे बनाए, बना के फ्रिज में रख लें, कोई भी जब गेस्ट आता है तो प्रेजेंटेशन अपनी इसी हिसाब से करें, एक एक पीस जो है बाउल के अंदर सर्व करें और खूब वाह वाही लूटें कि बहुत ही टेस्टी है, कहाँ से सीखी है, कैसे बनाई है। और मज़े की बात यह है, आपको गैस जलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, वैसे ही आपका सारा जो सामान है ऐसे ही तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मेरी ये रेसिपी है बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी ये मिठाई दिवाली पे। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करती हूँ इस डेजर्ट के साथ, इस मिठाई के साथ आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इजी से इजी रेसिपीज का फायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इजी रेसिपीज के साथ। ओके बाय, टेक केयर।